मेरी लास्ट वीडियो में एक चीज मिस हो गई थी जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो मेल की थी, उसके अंदर एक्चुअली जो क्विज सेट करने का मेथड था वो थोड़ा सा मैं मिस कर गया हूँ, तो आपको मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। मैं बड़ी शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा 2 से 3 मिनट की, एक्चुअली आपने अपना क्विज सेट कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं अपना क्विज सेट करने लगा हूँ। याद रखिएगा, क्विज सेट करने की 2 एक्टिविटीज हैं। एक एक्टिविटी ये है कि आपने यहाँ पे अपना क्विज शो करवा दिया, और दूसरी एक्टिविटी ये है कि आपने जो क्विज लेना है वो आपने करना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, तो प्लीज अपने सारे क्विज इसी तरह सेट कीजिएगा, नहीं तो स्टूडेंट को नजर नहीं आएंगे। अच्छा जी, मैं अपना एक क्विज सेट करने लगा हूँ, उसी तरह जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। ऐड एन एक्टिविटी रिसोर्सेस, आपने इसको क्लिक किया, आप नीचे आए, आपने क्विज को सेट किया और यहाँ पे क्योंकि मेरा दूसरा क्विज है, मैं एक क्विज स्टूडेंट से ले चुका हूं, तो मैं लिखूंगा जी क्विज नंबर 2। यहाँ पे आप कर दें जो स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे उसको टाइम बता दें कि क्विज टाइम क्या है। जैसे मैं स्टूडेंट को बता देता हूँ कि ये 6 PM से 6:20 यानी 20 मिनट का मेरा ये क्विज है, मैंने सेट कर दिया। यहाँ के आके यहाँ के उसकी टाइम सेट कर दें। आप चाहते हैं 26 को मैंने क्विज लेना है, तो इसको पहले अनेबल कर लीजिए। अनेबल किया, आपने 26 को लेना क्विज, यहाँ आपने टाइम सेट करना है। तो आप देख लीजिएगा कि आपने अगर 6 बजे सेट करना है तो 6 का वो क्या बनेगा। अगर आप मॉर्निंग में सेट करना चाहते हैं तो वह 6 कर दें, 6 PM। क्या आपने 20 मिनट का क्विज लेना है, 6, और यहाँ पे 0 कर दें ताकि ये 20 मिनट का क्विज बन जाए, और यहाँ पे 20 सेलेक्ट कर दें। आपने 20 सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, आपने इसको सेव कर दें। आपने अब ये एक एक्टिविटी कर ली कि आपका क्विज स्टूडेंट को नजर आ रहा है कि सर ने क्विज लेना है, ये इसका मतलब है कि सर ने क्विज लेना है। अब क्विज क्या है वो आपने ऐड करना है, ये दूसरी एक्टिविटी है। आपने इसी क्विज को क्लिक किया और यहाँ पे देखें स्टूडेंट को नजर भी आ रहा है 26 को होगा, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि नो क्वेश्चंस हैव बिन एडेड येट। आपने अभी इसमें क्विज ऐड करना है, वो जो क्विज नजर आ रहा है उसका मतलब ये है कि सर ने अभी क्विज लेना है। अब क्विज क्या है आप ये दूसरी एक्टिविटी में ऐड कर रहे हैं, तो इसमें आपने करना है एडेड क्विज। एड क्विज करने के बाद आपने हमेशा यहाँ पे जो एड है यहाँ पे आके हमेशा न्यू क्वेश्चंस, आ न्यू क्वेश्चन इसको क्लिक करना है। आ न्यू क्वेश्चंस इसको क्लिक किया आपने, यहाँ पे आपके पास चॉइसेस हैं, मल्टीपल चॉइस लेना है, ट्रू एंड फॉल्स लेना है, आपने जो भी क्विज लेना है वो आपकी चॉइस है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा शॉर्ट आंसर वाले क्विज ही लें, वो उसको सेट करना ईजी है और उसको चेक करना भी ईजी है। आपने यहाँ पे इसको किया क्लिक एड, और यहाँ पे आपने वही नाम देना है जो इसका नाम है क्विज 2, ताकि स्टूडेंट बताओ कि सर ने क्विज 2 सेट किया था और मैंने क्विज 3 को ही आंसर करना है। यहाँ पे आपने क्विज 2 यहाँ पे आप मेंशन करें जो एक्चुअल क्विज आपने स्टूडेंट से लेना है। तो मैं यहाँ पे जो स्टूडेंट से क्विज लेना चाह रहा हूँ वो वाला यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे उसको कर दिया। और याद रखिएगा कि इसको जरा डॉट से फिल कर दीजिएगा एंड तक, उसके बगैर ये सेव नहीं करता। एंड तक आपने डॉट के साथ इसको सेव कर दिया यहां तक, और उसके बाद यहाँ पे आके आपने एक और चीज करनी ऐड करनी है कि यहाँ पे आप एक ग्रेड 100 कर दीजिएगा और यहाँ स्टेरिक डाल दीजिएगा। अब आपने दूसरी एक्टिविटी में जो स्टूडेंट से क्विज लेना है वो सेट कर दिया अब, ठीक है जी। सेट करने के बाद आप जस्ट इसको सेव कर दें। अब स्टूडेंट को पता चल जाएगा कि सर ने क्विज लेना है और वो क्विज क्या है। सेव, अब आपका ये क्विज सेट हो चुका हुआ है। सॉरी फॉर कंफ्यूजन्स, मैं पिछली वीडियो में ये चीज नहीं बता सका था, तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दी है। जजाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज।